परिजनों और टेंट व्यवसायियों ने अपनी बात रखी नेताओं के बीच, कहा हम सबसे ज्यादा हो रहे हैं प्रभावित। सरकार के लॉकडाउन की आशंका को लेकर आतंकित हुए मंत्री और पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं, पर कड़ाई बिल्कुल आवश्यक है। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टेंट व्यवसायी और मैरिज गार्डन के व्यवसायी एकत्रित हुए। कैटरिंग वाले भी यहां पर आए। यह सब जो है वह प्रभावित हो रहे हैं कोरोना COVID-19 के प्रभाव पे। वैसे तो सारा व्यवसाय कोरोना COVID-19 के चलते प्रभावित हुआ, पर इन व्यवसायियों ने अपनी बात को रखा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष। उन्होंने कहा कि हम आशंकित हैं कि कोरोना COVID-19 का जिस प्रकार का प्रभाव फिर फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसके चलते सरकार कहीं लॉकडाउन न लगाती। लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे और प्रदेश के जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं विष्णु दत्त शर्मा, उन्होंने ये की बात कही कि किसी प्रकार के लॉकडाउन लगाने की अभी कोई सरकार की मंशा नहीं है। हमको सबकी ख्याल है, सबका ख्याल है, किसी का बिजनेस, किसी का धंधा, किसी का व्यापार प्रभावित ना हो, परंतु दवाई के साथ कड़ाई भी आवश्यक है। मास्क लगाना आवश्यक है, डिस्टेंस रखना आवश्यक है, शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना तो आवश्यक है। अगर यह सब चीज़ें नहीं होती हैं तो सरकार कोई दुश्मन तो है नहीं कि जो किसी को परेशान करेगी। आप जो हैं वह भयभीत ना हो, आपके साथ सरकार है, इस बात को कहा यहाँ पर मंत्री ने, विधायक ने। तो पहले हम सुनते हैं भूपेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश शासन में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वह क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवा। साल भर होने को आ गया, पर मुझे अभी तक कोरोना भगवान की कृपा से नहीं हुआ, तो इसलिए आप मास्क पर जितना ज्यादा जोर देंगे उतना ज्यादा आपका बचाव होगा। और मास्क आप लगाएंगे तो दमों में वो परिस्थितियां नहीं बनेगी कि सरकार को किसी तरह के प्रतिबंध लगाना पड़े, क्योंकि लोगों का जीवन जरूरी है। और इसलिए आप सबसे यही आग्रह है कि आप सब मास्क जरूर लगाएं। सरकार की ये पूरी कोशिश होगी कि हम लोग लॉकडाउन ना लगाएं, और लगभग हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, और जो कार्यक्रम वगैरह हैं उसमें भी अभी कोई इस तरह का प्रतिबंध। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। क्या कहा विष्णु दत्त शर्मा ने, आइए वह भी हम आपको सुनवाते हैं। आप सबके साथ ताकत के साथ खड़ी है, ऐसा आपको भूपेंद्र जी ने भी आश्वासन दिया है, और मैं भी सरकार के साथ मिलकर के आपका आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार की परेशानी हमारे टेंट व्यवसायियों को हम नहीं आने देंगे, जो संभव होगा उनके साथ मिलकर के करेंगे। तो सुना आपने, ये सब दोनों नेता जो है, भारतीय नेता भी हैं और एक मंत्री भी हैं और एक सांसद और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दोनों ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया कि सरकार की मंशा किसी भी प्रकार की किसी को परेशान करने की नहीं है। आप सब दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करिए। कोविड का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे को कम करने का एक ही रास्ता है कि डिस्टेंस का, सामाजिक दूरी जो बनाई है हमने, फिजिकली डिस्टेंस हमारा जो है उसको हमको मेंटेन करके रखना है, और साथ में हमको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। अगर ये सब हम करते हैं और कोविड के जो केस है उनको, उनकी चेन को हम तोड़ने में कामयाब होते हैं, तो सरकार किसी भी प्रकार की कड़ाई का पालन नहीं करेगी या कोई निर्देश ऐसा नहीं जारी करेगी जिससे आप सबको परेशानी हो, परंतु हम सबको मिलकर इस चीज का मुकाबला करना है। सरकार आपके साथ है, संगठन आपके साथ है, आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए। सरकार और संगठन आपके अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।